अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है भाई? वालेकुम वालेकुम सलाम सर। सलाम जी सर, आ रही है। वालेकुम सलाम आ रही है। अच्छा, हमने ग्रुप थ्योरी शुरू किया था, बहरहाल जहाँ तक भी वो पढ़ा था तो उसको वहीं पर रोक देते हैं और हम जा रहे हैं, आज मैट्रिसेस शुरू कर रहे हैं। अच्छा, मैट्रिसेस की डेफिनेशन और मैट्रिसेस के ऑपरेशन और उनकी प्रॉपर्टीज, वो सारी आप फर्स्ट ईयर में जो थे उनको तो बना पढ़ा चुका हूँ मैं बहुत कुछ, लेकिन ये कि सारी डेफिनेशन देख लेना शुरू की। हम चल रहे हैं कुछ प्रॉपर्टीज पर जो इस्तेमाल होंगी और कुछ नई डेफिनेशन है वो इस्तेमाल होंगी। तो हम चैप्टर 4 मैट्रिसेस का शुरू करते हैं। तो ट्रांसपोज, आप जानते हैं कि ट्रांसपोज क्या होता है, कुछ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज हैं। देखिए, ये पेज नंबर 139 है। प्रॉपर्टी नंबर 1, ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो वापस ए आ जाता है। K A ट्रांसपोज, तो K इज अ कांस्टेंट नंबर, K बिलोंग्स टू R या C भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो या रियल हो। खास प्रॉपर्टी है वो ये, तो अगर मल्टीप्लाई हो रहा है A B और उसका ट्रांसपोज लोगे तो दैट विल बी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये चेंज हो जाता है इसकी पोजीशन। तो ये कुछ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरह से कुछ प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लेक्स की, अगर ये ए जो है इसमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हो मैट्रिक्स, इसी तरह की प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स नंबर की भी हैं। तो बार बार आप जानते हो कि बार का मतलब है कॉन्जुगेट। ए बार मीन, आगे लिख लो, ए बार मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ ए। इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1, ए प्लस बी बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। दूसरी प्रॉपर्टी, के ए बार इक्वल टू के बार ए बार इफ के ए बिलोंग्स टू सी। अगर ए भी सी में है और अगर के रियल नंबर है तो जाहिर है उसका बार का कोई मकसद नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी, ए डबल बार वापस ए आ जाता है। इसी तरह से ए बी होल बार, प्रॉपर्टी नंबर 4, ए बी होल बार इसमें तब्दीली नहीं आती, ये ए बार बी बार भी रहेगा। एक और जो इन दोनों पे इंटरलिंक करती है प्रॉपर्टी वो ये है कि ए बार ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बार, ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये आप नोट कर लें क्योंकि आने वाले सवालों में एक्सरसाइज में ये काम आएंगे।
इसके साथ साथ अभी मिटा नहीं रहा, कुछ लोग और आ जाएं तो ये लिख लें। देखिए पेज नंबर 141 पे बुक है, अगर आपके पास तो बुक निकाल लो, पेज नंबर 141 निकालो। इस पे कुछ डेफिनेशन दी हुई हैं। पहली डेफिनेशन यह है कि ए प्लस वन अगर वापस ए आ जाए, के इज एनी कॉन्स्टेंट नंबर, नेचुरल नंबर इन फैक्ट, ए की पावर के प्लस वन इज इक्वल टू ए, देन दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक एंड के इज इंडेक्स। के इज इट्स पीरियड, और अगर के वन हो तो ए स्क्वायर ए की इक्वल आ जाए, तो इसे कहते हैं आई डैम पोटेंट, दिस इज कॉल्ड आई डैम पोटेंट। और अगर a रेस टू पावर कोई भी p इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, इसे कहते हैं निल पोटेंट। एंड p इज इंडेक्स, डेफिनेशन अगर ए स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू आई द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, देन इट इज कॉल्ड इनवोल्यूटरी। If A transpose is equal to A, it is called symmetric. A is P is equal to A, then this matrix is called symmetric matrix. Or agar A transpose माइनस ए के बराबर आ जाए, देन इट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ये मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स हो तो अभी हमने लिखा ए बार ट्रांसपोज लिखो या ए ट्रांसपोज बार लिखो, अगर ये ए के बराबर आ जाए तो दिस इज कॉल्ड हर्मिशियन, हर्मिशियन मैट्रिक्स। एंड सिमिलरली स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, अगर इसका बार माइनस ए के इक्वल आ जाए तो स्क्यू हर्मिशियन। तो ये कुछ डेफिनेशन, कुछ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज और कुछ नई डेफिनेशन जो अभी आपने नहीं, ये नहीं पढ़ी होंगी आपने, या शायद ये पीरियोडिक आइडियोपोटेंट वगैरह तो थी इंटर में।
एक सवाल हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आता होगा रिवाइज कर लेते हैं, एक सवाल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कर लेते हैं एक्सरसाइज से ही। तो ये उतार लो, अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो ऑप्शन यही है जो अभी हम कर रहे हैं, इसी तरह से हम हर सैटरडे को आपकी क्लास लेते रहें। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूं एक घंटे का और डाल दूं अपने इसी गूगल क्लासेस पर, वो आप लोग देख लें, और अगर किसी किस्म की कोई बात करनी हो, कोई कंफ्यूजन हो किसी को, तो वो मुझसे मोबाइल पे फोन करके पूछ ले कि सर ये मसला है कुछ अगर इसमें बता दें आप। तो आप बताइए दोनों में से कौन सा ऑप्शन रखें, अक्सरियत जो फैसला करेगी वो काम हम कर लेंगे। वैसे ये वीडियो जो है, ये जो हम क्लास ले रहे हैं इसकी वीडियो भी अवेलेबल होगी, इसकी रिकॉर्डिंग भी डाल दी जाएगी, इसको भी अगर आप जो मिस कर जाए या तो वो देख सकता है बाद में। तो क्या कहते हैं आप लोग, जवाब दो भाई। माइक ऑन करो और मुझे जवाब दो, ताकि फिर इतनी देर में ये उतार भी लेंगे तो मैं मिटा के सवाल करता हूँ। फिर सर यही वाला सही है कि आप ऐसे ही ले लें, तो फैसला कर लो फिर। सीआर मुझे बता देना, तुम दोनों सीआर अगर हो बैठे हुए तो फिर मुझे बता देना कि अगर नेक्स्ट टाइम भी ऐसी क्लास लेनी है तो ऐसी क्लास लेंगे, और अगर आप चाहेंगे कि रिकॉर्डिंग डाल दी जाए और जिसको भी कोई कंफ्यूजन है वो फोन करके पूछ ले तो वो भी हो सकता है। सर सर ऐसे ही सही है, ऐसे ही क्लास लेते रहें। सही ऐसे ही सही है, वैसे रिकॉर्डिंग लेक्चर पूरी मेरे का ना फैसला कर ऐसे समझ में आ रही है ना, आप फैसला करके मुझे बता देना नेक्स्ट टाइम से पहले पहले। अच्छा अब मैं आपको बता दूंगा Exercise 4.1। अच्छा एक चीज देखेंगे, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का मतलब होता है कि अगर मैट्रिक्स का कोई एक एलिमेंट, जरूरी नहीं है कि हर एलिमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हो, एक एलिमेंट भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका, तो वो मैट्रिक्स जो है फिर उसका कॉन्जुगेट निकल सकता है, वो कहलाएगी ऑन कॉम्प्लेक्स फील्ड, क्योंकि आपको मालूम है कि रियल नंबर इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक्सरसाइज है 4.1। पेज नंबर 147। तो एक मल्टीप्लिकेशन का सवाल कर लो, क्वेश्चन नंबर 2, बाकी तो सवाल आप करते रहना, क्वेश्चन नंबर 2 इसका जवाब दो मुझे, रिवाइज हो जाएगा 402 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4 15 एंड माइनस 2.2। चलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें, तो यह ध्यान ही करा दूं कि इसकी रो को इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एलिमेंट्स को कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड करोगे तो पहला नंबर आ जाएगा। इसे सॉल्व करो, इसका जवाब लिखो।
क्या आया सर? रॉ में 2 और 8 पहली रॉ में, और दूसरी रॉ में 4 और -12। पहली रो में आपके पास आ जाएगा 2 और दूसरी रो में आ गया 8 और यहाँ पहली रो में आ गया, सेकंड रो में आ गया 4 -12 एंड -12 तो दैट विल बी द आंसर। अच्छा इसी तरह से ये तो है 2 रोज एंड 3 कॉलम, 3 रोज एंड 2 कॉलम की मैट्रिक्स थी। एक और मैट्रिक्स है, ये सवाल पहले लिख लो, एक सेंटेंस लिख लो, प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस ए, आपके पास है कॉस स्क्वायर थीटा, cos theta sin theta, cos theta sin theta, sin square theta and v आपके पास है cos square theta, sin square theta, cos square phi, cos phi, sin phi, cos phi, sin phi, and sin square phi. सवाल यह है कि इन दोनों का प्रोडक्ट यानी a इंटू b निकालना है आपको। तो सवाल लिख लो, ये प्रोडक्ट जो है, दिस इज जीरो, इज जीरो मैट्रिक्स, इज जीरो मैट्रिक्स व्हेन थीटा एंड फाई डिफर, डिफरेंस से डिफर बाय एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। दोबारा सुन लो कि इनका प्रोडक्ट जो ऊपर जुमला लिखा है, इज जीरो मैट्रिक्स व्हेन थीटा एंड फाई डिफर डिफरेंस बाय एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो चलो ए इंटू बी निकालो पहले, तो ए को बी से मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आया।
टू बाई टू की मैट्रिक्स है, ए डॉट बी इज इक्वल टू, लाइन फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, फर्स्ट एलिमेंट भी फर्स्ट हो गया, फर्स्ट को जब सेकंड से करोगे तो कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाई साइन फाई, ये तो एडिशन के साथ आएगा, ऐड होगा इसमें प्लस कॉस थीटा कॉस साइन थीटा कॉस फाई साइन फाई, ये पहला एलिमेंट बनेगा। और जब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस पाई साइन पाई एंड दिस विद दिस प्लस कॉस थीटा साइन थीटा एंड साइन स्क्वायर फाइव, ये होगा बड़े बड़े एलिमेंट। इसी तरह से जब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम तो कॉस स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर थीटा cos phi sin phi and second row with second column, second row with second column to cos theta sin theta cos phi sin phi plus sin square theta sin square phi, कहने को तो टू बाई टू की मैट्रिक्स है लेकिन एलिमेंट बड़े बड़े हैं। ये समझ लो कि पहली दफा मैंने ये मैट्रिक्स लिखी है जिंदगी में, क्योंकि ये मैं स्टूडेंट से कहता हूँ खुद ही निकालो, आप देखें कि हर टर्म में कुछ ना कुछ कॉमन है। तो ये ऑनलाइन का फायदा ये है कि मुझे ये लिखनी पड़ी क्योंकि रिकॉर्डिंग में है। तो हर टर्म में आप देखें, आप कॉस थीटा कॉस फाई जो है पहले में कॉमन है, दूसरे में आप देखें तो कॉस थीटा साइन फाई कॉमन है, इसी तरह से चारों टर्म्स में कुछ ना कुछ कॉमन है। चारों टर्म में कुछ ना कुछ कॉमन है, उसे कॉमन निकालो तो कॉस थीटा कॉस फाई कॉमन निकल आएगा पहली टर्म में से, तो यहाँ बचेगा कॉस थीटा कॉस फाई और यहाँ बचेगा साइन थीटा साइन फाई। इसी तरह से यहाँ आप देख रहे हैं कि साइन फाई कॉमन है और कॉस थीटा कॉमन है, तो कॉस थीटा साइन फाई कॉमन ब्रैकेट में रह जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई और यहाँ कॉस थीटा बाहर चला गया, साइन थीटा बच गया और एक साइन फाई बच गया। इसी तरह से यहाँ देखें साइन थीटा कॉमन है और कॉस फाई कॉमन है, यहाँ से कॉमन निकलेगा साइन थीटा कॉस फाई, इसे जब कॉमन निकाल लोगे तो अगेन कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई।
And here we have sine theta, sine phi common. Sine theta, sine phi common, or bracket again cos theta, cos phi, plus sine theta, sine phi. तो ये पहला पार्ट जो है मल्टीप्लाई मैंने कहा कि पहली दफा लिखा है, और ये भी मैंने पहली दफा लिखा है, क्योंकि जब आप ये काम कर लेते हो, मैं ओरली कराता हूँ ये कि करो भाई तुम लोग बैठ। अब आप देख रहे हैं कि चारों ब्रैकेट सेम है, हर टर्म में ये ब्रैकेट कॉमन है। तो ये आपको पता है कि प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स, अगर चारों एलिमेंट में कोई चीज कॉमन है तो उसे आप बाहर मैट्रिक्स से बाहर ले जा सकते हैं। और ये जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, cos theta cos phi plus sin theta sin phi, किसके बराबर होता है भाई ये? चलो पहले उतार लो फिर बताना किसके बराबर होता है ये, तो हम कन्वर्ट करके कॉमन निकालेंगे। जी cos theta cos phi plus sin theta sin phi किसके इक्वल होगा? cos alpha plus beta, प्लस नहीं माइनस। cos में अगर दरमियान में प्लस हो तो वहां पर माइनस होता है, तो ये इक्वल है cos theta minus phi। तो आप इस ब्रैकेट को कॉमन निकाल दें और कन्वर्ट करके निकालो cos theta minus phi। और अब जो बच जाएगी मैट्रिक्स वो ये बच जाएगी cos theta cos phi cos theta sin phi यहाँ sin theta cos phi और यहाँ sin theta sin phi ये मैट्रिक्स बच गई। And remember this, on left hand side you have A dot B. अब सवाल ये है, 40 मिनट्स की जो कि जूम पे क्लास जो होती है 40 मिनट की होती है, तो 40 मिनट से आगे बढ़ाने के लिए, ज्यादा क्लास लेने के लिए हमें इसे रिवाइज करना पड़ेगा, तो एक आध मिनट की डिस्टर्बेंस आएगी, उसे बर्दाश्त करना। वार्निंग आ जाती है 10 मिनट पहले के भाई 10 मिनट रह गए। अच्छा, अब प्रॉब्लम यह है कि आपसे एक सवाल ये किया गया है, सवाल में यह है कि ए और बी जो ये प्रोडक्ट निकाला है ये जीरो के इक्वल होगा, यानी जीरो मैट्रिक्स होगी। तो जाहिर है मैट्रिक्स तो ये आई है ना, उसको हमने कॉमन निकाल लिया है, तो जाहिर है मैट्रिक्स ये अपनी जगह पर है, लेकिन एक्चुअल मैट्रिक्स तो ये है, इससे हमने कॉमन निकाल के ये कर लिया। तो अब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक ये मल्टीप्लायर है और एक ये मैट्रिक्स है। जाहिर है आप जानते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो, तो चांस यही है कि या तो दोनों अपनी जगह पर जीरो, प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी जो है वो जीरो है, अगर कब होगा, या तो वो मल्टीप्लायर जो है वो जीरो हो या ये खुद जीरो हो। अब हमें देखना यह है कि क्या ये मैट्रिक्स जो लिखी हुई है कि थीटा और फाई का कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जो इसे जीरो बना दे। तो अगर आप यहां पर रखकर देखें वैल्यूज, जाहिर है आप जानते हैं कि साइन जीरो कब होता है और कॉस जीरो कब होता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल सारे साइन कॉस के हैं, या साइन साइन के हैं, या कॉस साइन के हैं। तो जाहिर है ये
इंटरनल जो एलिमेंट्स हैं ये उसी वक्त जीरो हो सकते हैं जब इन दोनों में से कोई, ये भी प्रोडक्ट की फॉर्म है, इन दोनों में से कोई जीरो होगा तो वो टर्म जीरो हो जाएगी। तो ये जीरो पॉसिबल उसी टाइम है जब या तो कोई एक टर्म जीरो हो। अब कोई एक टर्म, दो ही टर्म है आपके पास, एक साइन फंक्शन है एक कॉस फंक्शन है। साइन जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो वन होता है, लेकिन कॉस कब जीरो होता है, वो पाई बाई टू पर होता है। तो यही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आपके पास, चांस जो बनता है या तो दोनों ही जीरो हो, थीटा एंड फाई दोनों जीरो हो, या थीटा जीरो हो फाई कुछ और हो, पाई बाई टू हो, या थीटा पाई बाई टू हो और फाई जो है वो जीरो हो, या थीटा भी पाई बाई टू हो और फाई भी पाई बाई टू हो। तो यही पॉसिबिलिटीज हैं जो इनको जीरो बना सकती हैं। अदरवाइज कोई भी एंगल लोगे 30 डिग्री का 60 डिग्री का ले लोगे तो दो पर्टिकुलर वैल्यू आएंगे, उनमें से तो कोई भी जीरो नहीं आएगा। जीरो आने का चांस तो यही है कि या तो ये दोनों जीरो हो या दोनों फाई हो, या कोई एक जीरो हो दूसरा फाई हो। तो ये कॉम्बिनेशन रख के देख लो कि अगर हम दोनों को जीरो रखें तो ये प्रैक्टिस के लिए घर पे कर लेना। अगर दोनों को जीरो रखें तो जाहिर है कॉस जीरो वन होता है, कॉस जीरो वन होता है तो ये टर्म वन हो जाएगी। तो बाकी अगर जीरो हो भी जाए तो पूरी मैट्रिक्स तो जीरो नहीं हुई ना, तो एक टर्म ऐसी है जो वन हो जाएगी। ये जीरो हो जाएगा क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है, ये भी जीरो हो जाएगा साइन जीरो जीरो होता है, ये भी जीरो हो जाएगा साइन जीरो जीरो। मैंने शायद कुछ गलत लिख दिया है, या कॉस है दोनों एक ही जैसे टर्म को देख के। तो जाहिर है कि पॉसिबिलिटी जीरो जीरो की तो नहीं हुई क्योंकि एक जो था वन है बाकी सब जीरो है, तो पूरी मैट्रिक्स तो जीरो नहीं हुई। दूसरा कॉम्बिनेशन देखो, थीटा को जीरो लो, फाई को पाई बाई टू लो। तो थीटा को जीरो लोगे तो ये वन हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, फिर पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। थीटा जीरो फाई जो है पाई बाई टू रखोगे तो थीटा कॉस जीरो इज वन एंड साइन पाई बाई टू इज वन, तो ये पूरा वन बन गया। तो इस तरह से इन कॉम्बिनेशन पर तीन तो जीरो हो जाएंगी टर्म मैट्रिक्स की एलिमेंट, लेकिन एक एलिमेंट जो है फिर भी वन रहेगा। तो ये जो पॉसिबिलिटी है कि ये मैट्रिक्स जीरो हो सकती है या नहीं किसी वैल्यू पर, वो पॉसिबिलिटी यहाँ खत्म हो जाती है। अब आपके पास सिर्फ पॉसिबिलिटी ये रह जाती है कि जो मल्टीप्लायर है इसका कॉस थीटा माइनस फाइव ये जीरो हो। ये जो सब जो कुछ भी मैं बोला हूँ, तो चूंकि रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग देख के इसे आप लिख लेना दोबारा से, कि जो मैं बोलता जाता हूँ क्लास में, मैं आपसे ये कहता कि बहुत सारे कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो हम बोलते हैं उसे नोट कर लिया करो। अब पॉसिबिलिटी सिर्फ ये है कि कॉस थीटा माइनस फाई इज जीरो, तो ये जीरो कब होगा? तो आप देखेंगे डिफरेंस कॉस जीरो माइनस फाई, ये कब पॉसिबिलिटी है? व्हेन इट इज जीरो, व्हेन कॉस कब जीरो होता है? जाहिर है पाई बाई टू पर, टू पाई बाई टू पे जीरो नहीं होता। कॉस थीटा या कॉस अल्फा कह लू मैं इसे, इज जीरो व्हेन अल्फा इज पाई बाई टू, पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू इज जीरो। क्या टू पाई बाई टू जीरो होता है? क्योंकि टू पाई बाई टू का मतलब है पाई, तो कॉस पाई जो है वो माइनस वन होता है, जीरो नहीं होता। लेकिन थ्री पाई बाई टू जो है वो जीरो होता है। तो ये एंगल है, यहां पर कॉस जीरो है और यहां पर कॉस जीरो है, यहां पर कॉस वन है, यहां पर माइनस वन है, यहां जीरो है, यहां जीरो। तो पाई बाई टू थ्री पाई बाई टू, फिर अगर आप राउंड मारो तो फाइव पाई बाई टू सेवन पाई बाई टू। तो इसका मतलब है थीटा माइनस फाई जो डिफरेंस है, अगर ये पाई बाई टू हो,
थ्री पाई बाई टू हो, फाइव पाई बाई टू हो एंड सो ऑन, तो ये जीरो हो जाएगा। तो यही हमें प्रूफ करना था कि डिफरेंस जो है थीटा फाई का, वो अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू हो तो ये ए इंटू बी जो है दैट विल बिकम जीरो। द प्रोडक्ट विल बिकम जीरो when theta minus 5 is the odd multiple of pi by 2। तो देखें इसी किस्म का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन वहां पर जो प्रॉपर्टी है इसी किस्म से, जब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को तो वहां जिक्र है डायरेक्शन कोसाइन का। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपसे कहा गया है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन कोसाइन है इसमें गिवन लैम्डा और म्यू। तो वहां ये कहा गया है कि ये जीरो होगा प्रोडक्ट इनका व्हेन द लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो लाइन परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी जो है वहां पर भी आपके पास ऐसा एक प्रोडक्ट आएगा जो ये होगा, मैं लिख देता हूँ, वो इस किस्म से आएगा लैम्डा वन म्यू वन, लैम्डा टू म्यू टू एंड लैम्डा थ्री म्यू थ्री। ये जीरो होता है व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो ये एक प्रॉपर्टी वहां पर यूज होगी, वहां भी ये चीज जो है कॉमन निकल के बाहर आएगी। तो आप ये रिमार्क लिखोगे बिकॉज दिस इज जीरो व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो ये सारा जो है वो जीरो के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, अब आप एक सवाल जो है अगेन प्रोडक्ट का, और वो आप बेहतर है कि नीलपोटेंट वाला कर लो क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन नंबर 5-6 से जो है वो जो डेफिनेशन लिखवाई है उसके सवाल आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में मैट्रिक्स गिवन है 1 माइनस 3 माइनस 4